जब मैं मदीना पहुंचा मस्जिद नबवी की तरफ, ये बात और मैं इस वक्त मस्जिद नबी में दाखिल हो रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह उन तमाम दोस्तों के लिए, मैं तमाम ग्रुप के दोस्तों के लिए दुआ करूँगा और उनकी तरफ से सलाम अर्ज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ना, ये ले सलाम जवाब में बाहर मिला। ये मैं जिन लोगों ने दाने का, अच्छा भाई किन लोगों ने आपको दिया? फिर मेरे रिश्तेदारों ने बोला है दाना। अच्छा, आपके रिश्तेदार हैं, उनके लिए कर रहे हो आप? हाँ, उनके लिए। ठीक है, अच्छी बात है, उनका आपका इरादा होना चाहिए दिल में। ठीक है, मैं दाना उनके लिए रख रहा हूँ। सही है, अच्छी बात है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी। ठीक है, जिन्होंने आपको हदिया दिया दाना दिखाते जाइए। सही है, जिन्होंने आपको दिया है हदिया दिया है इसका, अल्लाह पाक उनका भी कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी, अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा इंशाल्लाह। उनके दाना जिन्होंने सही है। सही जी, माशाल्लाह अभी तो माशाल्लाह नमाज हुई है ना फजर की, थोड़ी देर तक अभी इधर अभी पंखी आना शुरू हो जाएंगे। देखो ये ऊपर देखो कितने आ रहे हैं। आप परिंदों की भी बनाए? हाँ जी, ये देखो अभी ऊपर बहुत सारे परिंदे आ रहे हैं, ये इधर ही आके उतरेंगे और आके ये जिन्हें खाएंगे। ये देखो ऊपर कितने बैठे हुए हैं, ये जी माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप किधर गए हो? अरबी अरबी इसकी बना, इसके बना दोस्त, ये गिर रहा है। ठीक है ना, सही बात। तो ये मैंने जी अल्लाह के नाम पे ये हदिया पेश किया है, हदिया पेश परिंदों के लिए। चलो जी, ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपका इरादा होना चाहिए दिल में। ठीक है, मैं दाना उनके लिए रख रहा हूँ। सही है, अच्छी बात है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी। ठीक है, जिन्होंने आपको हदिया दिया दाना दिखाते जाइए। सही है, जिन्होंने आपको दिया है हदिया दिया है इसका, अल्लाह पाक उनका भी कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी, अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा इंशाल्लाह। उनके ये जिनके लिए ये दाना जिन्होंने सही आया है। सही जी, माशाल्लाह अभी तो माशाल्लाह नमाज हुई है ना फजर की, थोड़ी देर तक अभी इधर अभी पंखी आना शुरू हो जाएंगे। देखो ये ऊपर देखो कितने आ रहे हैं। आप परिंदों की भी बनाए? हाँ जी, ये देखो अभी ऊपर बहुत सारे परिंदे आ रहे हैं, ये इधर रमज़ानों में इफ्तार मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी के अंदर का मंज़र, ये इफ्तार है जो दुनिया के हर इफ्तार से बेहतर है। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंज़र है। देखिए कितना रूह परवर मंज़र है, कितना दिल को मोह लेने वाला मंज़र है। दिल चाहता है कि इंसान सारी ज़िंदगी इधर ही बिता दे। ये मेरी यादें हैं जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि हमेशा दिल में ताज़ा रहेंगी। काश कि मैं दोबारा मस्जिद नबवी पहुँच कर